जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से कंकाल तंत्र हड्डियों के बारे में समझाने का काम किया था, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज अपने को क्या पढ़ना है। अपना जो था अस्थि कोशिका चल रहा था, अस्थि कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह तीन प्रकार की होती है। जो अस्थि कोशिका होती है मेरे भाइयों, जो अस्थि कोशिका होती है वो तीन प्रकार की होने का कार्य करती है। अस्थि कोशिका है वो तीन प्रकार की होती है। इसके बाद जो नाम होगा, पहला नाम होगा, पहला जो होगा इसको ऑस्टियोक्लेस्टर। ऑस्टियोक्लेस्टर यह है खराब अस्थियों की कोशिकाओं को खाकर खत्म करने का काम करता है। आपको एग्जांपल के तौर पर बता दें हम, जैसे कि अपने भारत की जो सेना है, जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करने का काम करती है, जो गंदे लोग हैं उनको मारने का काम करती है पुलिस। इसी प्रकार जो अस्थियां हैं, जो खराब अस्थियां हो जाती हैं, मान लीजिए ये अस्थियां खराब हो गई है, तो इसको खत्म करने का जो काम करेगी वो कौन करेगी? ऑस्टियोक्लेस्टर नामक जो हड्डी होती है वह खत्म करने का कार्य करेगी। इसके बाद करेंगे हम ऑस्टियोबूस्टर। बूस्टर नाम से ही आपको अच्छा लग रहा होगा कि बूस्ट यानी निर्माण करना, अस्थियों का जो निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं? बूस्टर। ऑस्टियो बूस्टर क्या बोलते हैं भैया जी? कहना सर जी, ऑस्टियो बूस्टर बोलने का कार्य करते हैं। इसके बाद भैया कि ना बताइए अस्थियों को क्यूट, क्यूट यह अस्थियों को परिपक्व बनाने का कार्य करती है। यदि कोई हड्डी का निर्माण तो हो गया, अगर उसमें मजबूती नहीं है, यदि वह मजबूत नहीं है तो उस हड्डी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यह मजबूती प्रदान करने को, परिपक्व करने का निर्माण कौन करती है? क्यूट करती है, ऑस्टियोक्यूट करती है। इससे बात करेंगे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है भैया जी? अस्थि मज्जा मैंने कोशिका जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया था। अस्थि जो मज्जा होता है यह अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति, यह अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया जी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की लिख लेंगे, ठीक है? तो जो अस्थि मज्जा होता है वह होता है तो होता कहां पर है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आपको हर चीजों को कौन सी चीज कहां पर होती है इसको दिखाते हुए चल रहा हूं। मान लीजिए आपकी एक हड्डी है, हड्डी को आपने बीच में से काटा, ठीक है ना? मान लीजिए डॉगे की हड्डी है, कुत्ते की हड्डी को लिया, कोई सी भी हड्डी ले सकते हैं, उसको बीच में से काटेंगे तो उसमें जो आपको आकृति दिखी वो इस प्रकार की छेदी नुमा आकृति दिखने का काम करेंगे। इस प्रकार मान लीजिए इसको काट दिया आपने हड्डी को, इस प्रकार की इस ऐसे 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 इस प्रकार के आपको छेद वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? और इसके अंदर एक जालीनुमा आकृति, इसके अंदर भी एक जालीनुमा आकृति होती है, जालीनुमा आकृति होती है, वहां पर किसका निर्माण होता है? वहां पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होने का काम कर रहा होता है। किसका निर्माण? तो यह क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इस प्रकार करने का काम करेगा कि बताइए आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो जब बन जाता है, एग्जामिनर इस प्रकार कहता है कि बताइए कि जो क्या बोलते हैं आरबीसी का जो निर्माण है वह कहाँ होने का कार्य करता है, तो आपका महत्वपूर्ण तरीके से जो आंसर बन रहा होता है उसका नाम अस्थि मज्जा होता है। इसके बाद बात करेंगे हम संधि यानी ज्वाइंट। संधि यानी ज्वाइंट, संधि यानी ज्वाइंट, यानी ये क्या है? संधि, ये ज्वाइंट, ठीक है ना? इंग्लिश में ज्वाइंट, हिंदी में संधि, ओके? आप सोचिए कंकाल का वह स्थान जहां पर अस्थियां मिलकर हिल डुला जा सकती हैं उनको संधि कहते हैं, और संधि वाले स्थान पर एक गुहा या खाली जगह पाई जाती है जहां पर साइनोकोवाल्विन नामक एक द्रव्य पाया जाता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से साइनोकोवाल्विन के बारे में बता चुका हूं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। तो इसको एक बार और बताने का काम करेंगे। कंकाल का जो वह स्थान जहां पर अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है, यानी कहना सर हिल डुल सकती है इस हड्डी को, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हिल डुल सकती है। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा हिल रही, देखो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, यानी लगभग लगभग 270 डिग्री या लगभग 360 डिग्री के लगभग में घूम रही, तो इनके बीच में साइनोकोवाल्विन एक द्रव्य पाया जाता है, इसी को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? कहना सर जी संधि तो भैया तीन प्रकार की होती है। क्या होती है मेरे भाई? वो मेरे प्यारे
संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, पहला अचल संधि, दूसरा अपूर्ण संधि और तीसरा पूर्ण संधि। भैया जो संधियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, पहला अचल संधि होगी, दूसरी अपूर्ण संधि होगी, तीसरा पूर्ण संधि होने का काम करेगी। जो जी आपको बता दें जो कंदन, कब्जा, घुटनी, ग्लाइडिंग और सेंडल, ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे इनके भाग मिलते हैं आपको देखने को, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम सीधा अचल संधि की ओर जाने का काम करेंगे। अचल संधि होती है तो होती क्या है, तो जो अचल संधियां होती है मेरे भाई, अचल संधि होती है यह रिश्तेदार संधि, इसको रिश्तेदार संधि भी कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब बन रहा होता है, जब एग्जामिनर आपसे कहता है कि बताइए कि रिश्तेदार संधि किसको कहते हैं, तो इसका नाम होगा, आपको पता होना चाहिए कि सर ने बताया था कि अचल संधि होती है, उसी जो रिश्तेदार संधि भी इसका नाम होता है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं अचल संधि होने का काम कर रहा होगा। यह थोड़ा भी गति नहीं कर सकती है, यह खोपड़ी तथा दांतों में पाई जाती है। आपको बता दें कि दांत आपकी मूव कर सकते हैं, आपका जबड़ा मूव करता है, आपका जबड़ा हिलता है, आपके दांत नहीं हिलते हैं। वो जिनके दांत हिलते हैं उनको शिकायत होती है पाइलिया वगैरह की, है ना, समझ सकते हैं आप लोग, उनके दांत कमजोर होते हैं जिनके दांत हिलते हैं ना। तो जो अचल संधि होती है यह रिश्तेदार होती है, इसे रिश्तेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं कर सकती है, यह खोपड़ी, अब खोपड़ी क्या आपको दिखा है कि खोपड़ी इस तरीके से फोल्ड हो रही, ऐसा तो है नहीं ना, है खोपड़ी की दांत हो गई, दांत का भी फोल्ड होता है, अपना मन करे तो उसको अंदर की तरफ कर लो, अपना मन करे तो बाहर की तरफ कर लो, इस तरीके से तो नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि जो होती है यह संधि जहाँ पाई जाती है वहां पर थोड़ा मूव कर सकती है, थोड़ी सी गति कर सकती है, पसली कसेरी गुडंट इत्यादि जो अपनी ये पसलियां होती है, इसको आप अपने हाथ से खुद दबा के देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दबने का कार्य कर रही होती है। तो आप समझ रहे होंगे यह कौन सी संधि कहलाती है, यह अपूर्ण संधि कहलाने का काम कर रही होती है। इसके बाद बात करेंगे कुंदुक संधि की, बात करेंगे सीधा। इस प्रकार की जो संधि होती है यह विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती है। इस प्रकार की संधि कौन सी होती है आपको मैं बताने का कार्य करूंगा। ये कौन सी संधि है, विभिन्न प्रकार, यानी ये वाली कलाई की बात हो रही, ये 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 इस प्रकार, समझ रहे हैं ना, देखिए चारों प्रकार घूम रही है ना इस प्रकार, तो ये कौन सी संधि होती है, कुंदक संधि कहने का कार्य कर रही होती है। पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि कौन सी कहलाती है, जब थोड़ा सा मूव कर सकती है, थोड़ा सा मूव, जैसे पसलियां हैं, पसलियां आपकी थोड़ी सी दब सकती है, है ना, है कसीरी गुडंट हो गए इस प्रकार। इसके बाद बात करेंगे अचल संधि। अचल संधि जो होती है बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, दांत हो गया, खोपड़ी हो गई, इस प्रकार जो संधि होती है वह तीन प्रकार की होती है, एक अचल संधि, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और मूल संधि। इसका संधि मैंने बता दिया, जहाँ पर हिलने डुलने का कार या जॉइंट का काम होता है उसको संधि बोलते हैं। इसके बीच में साइनोकोवाल में नमक द्रव पाया जाता है। अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा जालीनुमा एक आकृति होती है, जालीनुमा आकृति के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद कर रहा है ऑस्टियो, ऑस्टियोक्यूट होती है, अस्थियों को परिपक्व करने का कार्य करती है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमें ऑस्टियो बूस्टर, यह अस्थियों का निर्माण करने का कार्य करती है। इसका हमने पढ़ा था अस्थियो ऑस्टियो कैलेस्टर, तो यह खराब हड्डियों को खाकर खत्म करने का कार्य करती है। और अस्थि कोशिका होती है वह तीन प्रकार की होती है, इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर पढ़ाने का काम किया। कहीं ना कहीं इस चैप्टर की हम समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और आपको बता दें कि अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से यह पाठ समाप्त होगा और आगे आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानना तो आपको पड़ेगा ही, वो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके अनोखा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी वह भी बहुत बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग।